हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टेबल कैसे बनाएं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। देखिए कितनी बार मैं सिखा चुका हूं कि टेबल कैसे बनाना, एक बार फिर सिखाता हूं। देखिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लीजिएगा। तो यहां पे क्लिक किया यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहां पे टाइप किया एक्सेस। तो देखिए मेरे पास एक्सेस का 2021 भी है, 2007 भी है। 7 पे ही बता सकता हूं या 2021 पे भी जा सकते हैं। चलिए 7 पे बताता हूं। तो ये 7 ओपन कर लिया। यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया सिनेरियो आएगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर डेटाबेस का नाम आएगा, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यानी माउस से क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे सेलेक्ट करके और इसका नाम रख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां स्टूडेंट का डेटाबेस आएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट और ये जो है एक डेटाबेस आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। ये कह रहा है कि पहले से मौजूद है स्टूडेंट नाम, तो कोई और नाम रख लीजिए। तो यहां पर टी कर देते हैं, स्टूडेंट टी नाम से डेटाबेस बना लेते हैं। तो ये डेटाबेस हो गया। अब एंट्री करना होगा तो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे, ऐसे लिख नहीं पाएंगे। तो फिर आपको व्यू पे क्लिक करना है और यहां पर एक टेबल बनानी है। तो चलिए टेबल वन के ही नाम से टेबल बना लेते हैं। ये है प्राइमरी की यानी स्टूडेंट की आईडी आएगी यानी स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा और ये हमेशा यूनिक होगा, ये अब चेंज नहीं होगा। यानी एक बार आपने दे दिया तो आपने दे दिया, फिर उसको दोबारा आप एंटर नहीं कर पाएंगे, ये फायदा है, ठीक है। तो यहां पर मैं नंबर रख लेता हूं और यहां पर नेम कर देता हूं, ठीक है। और नेम क्या होगा, नेम होगा टेक्स्ट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप होगा, टेक्स्ट। अगर आप 2016 या उससे अपर वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पर शॉर्ट टेक्स्ट मिल जाएगा, लॉन्ग टेक्स्ट मिल जाएगा। फिलहाल तो यहां पर टेक्स्ट ही मिलेगा, तो हम यहां पर टेक्स्ट कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं क्लास। तो ये हो गया क्लास। तो इस तरीके से आपकी टेबल भी बन जाएगी और यहां टेक्स्ट डेटा टाइप रख करके व्यू पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब यहां पर रोल नंबर आएगा। तो देखिए यहां पर रोल नंबर तो आप रिपीट कर ही नहीं सकते। यहां पर वन लिख दिया और यहां पर मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है सोहन, तो एक नाम लिख दिया सोहन और यहां पे क्लास लिख दिया 12। तो ये 12 क्लास हो गया। अब यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पे रोल नंबर 2 आएगा और यहां पे मोहन कर देते हैं दूसरा नाम। इसी तरीके से यहां पे क्लास 12 आ गया, ठीक है। अब क्या हम रोल नंबर 2 को रिपीट कर सकते हैं या 1 को, नहीं कर सकते। कैसे, देखिए यहां पे गौरव एक और नाम दे दिया और यहां पे दे देते हैं जैसे 11th दे देते हैं। तो देखिए यहां पर जो है, यहां पर ये प्राइमरी की बना दिया ना, तो ये आप रिपीट नहीं कर सकते, ये आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। और जैसे यहां चेंज कर देंगे तब फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये तरीका है टेबल बनाने का, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ओके।